This is All India Radio. नमस्कार विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट राजलक्ष्मी सत्य है कि जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद कीमती है जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर जल ना होता तो सृष्टि का निर्माण भी संभव नहीं होता जल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। मनुष्य ने जल का इतना दोहन कर लिया है कि आज दुनिया की आधी आबादी को पीने के लिए स्वच्छ पानी तक मुहैया नहीं है भारत भी इससे अछूता नहीं है और तमाम रिपोर्ट इस बात को मजबूती से दोहरा रही है कि अगर हम जल संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं कर पाए तो हम अपने आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरस जाएंगे आज के इस अंक में हम बात करेंगे अटल भूजल योजना की इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है श्री प्रतुल सक्सेना जी जो कि अटल भूजल योजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर सर्वप्रथम हमारे श्रोताओं को बताइए कि आखिर क्या है अटल भूजल योजना और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए जैसा कि आपने बताया अभी कि भूजल स्रोतों का अत्यधिक दोहन हो रहा है आज से करीब तीन वर्ष पूर्व अटल भूजल योजना लाई गई थी जिसके की तीन सिद्धांत हैं पहला सिद्धांत है कि ग्राम पंचायतों की सहभागिता दूसरा है डिमांड साइड मैनेजमेंट अगर मैं थोड़ा सा इस पे विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूँ पानी के मैनेजमेंट के दो तरीके होते हैं एक तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट जिसमें कि आप पानी की उपलब्धता को बढ़ाते हैं आप रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे कि बारिश का पानी एकत्रित होता है उसको आप भूगर्भ में डालते हैं जिससे कि एक तरह से पानी की उपलब्धता बढ़े दूसरा होता है डिमांड साइड मैनेजमेंट यानी कि जो पानी आप खर्च कर रहे हैं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं उसके उपयोग में कमी लाई जाए तो आज तक हम सरकारी क्षेत्र में सप्लाई साइट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे डिमांड साइट में हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है लेकिन इस योजना के तहत हम इस पर फोकस दे रहे हैं और तीसरा इसका जो सिद्धांत है कि सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कन्वर्ज करना जिससे कि भूजल के क्षेत्र में सारी योजनाएं एक साथ आएं और उस ग्राम पंचायती काया पलट कर सकें। सर भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है जिसमें कई राज्य हैं और हर राज्य में भूजल की अलग प्रकार की समस्याएं हैं तो किस प्रकार से हर एक राज्य में अलग तरीके से इस योजना का प्रबंधन वितरण और इससे जल को संरक्षित किया जा रहा है हमारे पास इस योजना में सातवें राज्य हैं जिनके कि नाम है गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन सब की भौगोलिक और भूगर्भीय व्यवस्था अलग अलग है लेकिन इनमें से एक चीज जो सातों राज्यों में समान है वो है हमारा समुदाय को जोड़ना आप अगर देखें तो एक टॉप डाउन अप्रोच यानी कि दिल्ली में बैठ के राज्य सरकारों कि जो कैपिटल से उसमें बैठ के आप लोकल लेवल की समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते हैं इसके लिए ग्राम पंचायत के लेवल के आदमियों को ही आगे आना पड़ेगा तो इसके लिए इस योजना में एक वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाता है यानी कि एक जल सुरक्षा योजना बहुत आसान तरीके से बताएं तो जितना पानी उस ग्राम पंचायत में है जितना उसका उपयोग कर रहे हैं उसकी बेसिस पे एक मूल्यांकन किया जाता है वाटर बजट की कि आप ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं जितना आपके पास है या उससे कम कर रहे हैं अधिकतर ग्राम पंचायतों में ज़्यादा पानी का उपयोग हो रहा है तो जो गैप है बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड यूज़ उसको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके ग्राम पंचायत जो हैं वो अपना सकती हैं इसके लिए ग्राम पंचायत की मंजूरी इन प्लान के क्रियान्वयन में इनको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और जो भी आप प्लान कभी बनाते हैं तो उसके लिए आपको आंकड़ों की जरूरत होती है तो इस योजना के तहत हम भूगर्भ से संबंधित वर्षा से संबंधित भूजल की गुणवत्ता से संबंधित इनको मापने के लिए जो भी इक्विपमेंट है जो भी यंत्र हैं वो हम ग्राम पंचायतों को मुहैया कराते हैं और उन आंकड़ों की बेसिस पे ग्राम पंचायत अपना एक जल सुरक्षा योजना या वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार करती हैं जो भी उपाय जल सुरक्षा योजना में ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो राज्य या केंद्र सरकारों की विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से किया जाता है और इन सब कार्यों को करने के लिए राज्य सरकारों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसका की उपयोग वो उचित प्रबंधन है जल का उसके लिए कर सकते हैं आपने अभी बात की कि जल स्तर घटने को ही हम भूजल की मेजर समस्या बोलते हैं इंडिया में या इसमें और भी जो इरोजन या जो डिफॉरेस्टेशन इन सब का भी प्रभाव पड़ रहा है भूजल के स्तर को खतरे के निशान से नीचे जाने में और आप लोग इसको किस प्रकार से इसको एस्टिमेट करते हैं कि इन राज्यों में या इन क्षेत्रों में भूजल की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है और इसकी उपलब्धता जो है अब संकट की श्रेणी में आ चुकी है देखिए इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है केंद्रीय भूमि जल बोर्ड वो हर साल ये आंकड़े करता है राज्य स्तर पर जिसमें कि हर राज्य के हर ब्लॉक से हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट से राज्य में आते हैं कितने पानी की उपलब्धता है और कितना पानी हम निकाल रहे हैं इसकी बेसिस पे हर ब्लॉक या हर तहसील तालुक को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है जिसमें एक एक सेफ है एक सेमी क्रिटिकल है क्रिटिकल है और एक ओवर एक्सप्लॉयटेड है आसान शब्दों में कहूँ तो ओवर एक्सप्लॉयटेड का मतलब वो है कि जितना पानी आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं अब सेफ का मतलब ये है कि जितना पानी आपके पास है उसका आप सत्तर प्रतिशत पानी निकाल रहे हैं तो जो भी इकाइयाँ जो हैं वो अति दोहित हैं यानी कि ओवर एक्सप्लोइटेड हैं उन पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं सर इस योजना से हमारे भारत के जो किसान हैं या हमारे कृषि क्षेत्र में इसका अभी तक क्योंकि चार साल हो चुके हैं इसको तो उस पर क्या असर पड़ा है क्या पॉजिटिव स्टेप्स आपने लिए हैं और क्या असर इसका आपको दिख रहा है और दूसरा कि इसके लिए जो हमारे राज्य हैं जिन सात राज्यों का आपने नाम लिया उनपे वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जा रहा है उनको किस प्रकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार या हमारी विश्व की कोई एजेंसी है जो उनकी मदद कर रही है जिससे कि उन राज्यों पर बोझ कम पड़े इसमें वित्तीय सहायता भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की तरफ से है करीब छह हजार करोड़ रुपए की योजना है जिसमें तीन हजार के हैं तीन हजार वर्ल्ड बैंक के हैं राज्यों पे कोई वित्तीय भार नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा जो है ग्रांट से नीट की तरह जा रहा है जी तो राज्यों पे कोई भार नहीं है इसका आपने कहा किस तरह से जाता है तो मैंने आपको पहले कहा था कि हम कुछ उनको यंत्र देते हैं और कुछ इंसेंटिव देते हैं प्रोत्साहन राशि देते हैं उन छः हज़ार करोड़ में से चौदह सौ करोड़ रुपए जो है जिसको कि हम कहते हैं कंपोनेंट वन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि इक्विपमेंट का खर्चा कुछ एक्सपर्ट्स का ख़र्चा जो लोग पंचायतों में जाके काम करते हैं उनका मानदेय उनकी सैलरी ये सब आता है और जो बाकी बचा चार करोड़ रुपये है वो प्रोत्साहन राशि है हर राज्य के लिए एक लक्ष्य तय है जो कि उनको पहले से पता है अगर वो लक्ष्य वो प्राप्त कर लेते हैं तो उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसका कि उपयोग वो समुचित जल प्रबंधन पे कर सकते हैं जी सर अटल भूजल योजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर इन चार सालों में क्योंकि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया था और अभी चार साल हो चुके हैं इसको 2024-25 इसकी तिथि तय की गई थी तो क्या इस तिथि में और एक्सटेंशन होने की कोई गुंजाइश है या फिर आप लोग अपने टारगेटेड तिथि को लेके ही बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि विदित है कि ये योजना एक अप्रैल दो से लागू हुई थी जी। जो कि कठिन समय था देश के लिए और दुनिया के लिए तो उस वजह से थोड़ा तो हम चाहेंगे कि इस योजना का विस्तार हो इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम लेकिन अभी भी हम 2025 का लक्ष्य को अपने दिमाग में है हमारे कि हम उस तक कर लें अगर कुछ कमी होती है तो हम निश्चय ही सोचेंगे कि क्या इस योजना को एक्सटेंड करना चाहिए सर किसी भी सरकारी योजना के लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मास अवेयरनेस यानी कि जनता को जागरूक करना तो अटल भागीदारी के आपने बात की, भी नहीं पड़ा। लेकिन मास की वो जल संरक्षण में भूजल के संरक्षण में विशेषकर आपकी सहायता करे आपकी मदद करे इसके लिए कैसे जागरूकता फैलाई गई और इसके लिए क्या कदम लिए गए जो मैंने आपको पहला कंपोनेंट बताया था इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का उसमें करीब चौदह सौ करोड़ रुपये का एलोकेशन है इसके लिए हमने राज्य स्तर एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स जो कि एन हैं उनका सहयोग लिया है ये एन ग्राम पंचायत में जाते हैं वहाँ की जनता को जागरूक करते हैं अलग अलग इनके अलग अलग माध्यमों से नुक्कड़ नाटक हो गया पैम्फलेट हो गया हाउस टू हाउस मीटिंग करते हैं ये प्लस रेडियो जिंगल्स हैं कुछ छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिससे कि जनता को जागरूक किया जाता है और आप भी जानती हैं कि महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है इन सब कार्यों में जी। तो अटल भूजल योजना में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम तैंतीस परसेंट महिलाएं जो हैं इस योजना से आके जुड़ें और इसमें अपना एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन दें तो अभी तक हम इस कार्य में अपने लक्ष्य के समीप हैं लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे सर अंत में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच तो ठीक रहता है लेकिन दीर्घकालीन संदर्भ में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएंगे ये बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की योजनाएं जब आती हैं योजना जब तक रहती है तब तक उस योजना का जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का वो अच्छा रहता है लेकिन एक बार योजना ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे लोग वापस उसी अपने रूटीन में आ जाते हैं जी। तो इसमें हम ये कदम उठा रहे हैं कि पहले तो हम इस चीज़ को इंस्टीट्यूशलाइज करने के विचार में हैं ख़ास तौर से पंचायती राज मंत्रालय के साथ कृषि मंत्रालय के साथ कि जो हमारा वाटर सिक्योरिटी प्लान है इट शुड सर्व एज द बेसिस फॉर ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राम पंचायत इसके लिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है पंचायती राज का उसके साथ हमारा वाटर सिक्योरिटी प्लान लाइन हो जिससे कि ये जो वाटर सिक्योरिटी प्लान है योजना की समाप्ति के बाद खत्म ना हो जाए इनको एक रिजंतर गति मिलनी चाहिए आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और अटल भूजल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर आशा करती हूँ कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद विज्ञान पत्रिका के इस अंक में इतना ही राजलक्ष्मी को दीजिए अनुमति